नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी सीरीज बाढ़ यात्रा में। आज हम हैं गुरसाहेगंज की एक वार्ड नंबर 14 में, सुल्तान आलम नगर से। सुल्तान आलम नगर में है, लगभग 1600 आबादी वाला ये वार्ड है। लगभग 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ऐसे ही एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है, शान मोहम्मद साहब। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हम अपने वार्ड में उतरे हैं और जो अपने स्टेट में जो है क्राइम कम हुआ है, उस मुद्दे को लेकर भी हम अपने वार्ड में उतरे हैं। लोगों से मतलब क्या मूलभूत समस्याएं थी जो वार्ड में सुल्तान आलम नगर में 5 सालों में पूरी नहीं हो सकी, जिसे आप मुद्दा बनाकर इस बार चुनावी मैदान में हैं? हमारे वार्ड में जो है काफ़ी लोगों से मैंने पता किया है कि मतलब यहाँ लोगों को कॉलोनी नहीं मिली, जो सभासद थे उन्होंने उसको मतलब सही तरीके से लोगों जिन लोगों को मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिला है, और जो अपात्र हैं उन लोगों को मिला है। और इसी मुद्दे से जो है हम मोदी जी और योगी जी के मुद्दे को लेकर आए हैं, जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। लगभग 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, ऐसे में शान मोहम्मद कहाँ पर हैं? हम एक नंबर पे हैं, इसलिए कि जो योगी ने जो विकास किया है और क्राइम कम हुआ है यूपी में, उस मुद्दे को लेकर भी हम आए हैं, इसीलिए हम एक नंबर में। जो पिछले वाले वार्ड के जो सदस्य थे उन्होंने कुछ 5 विगत वर्षों में किया है, जनता को लाभ मिला। हमारे अभी जितने भाई लोग यहाँ खड़े हैं वो कोई बता नहीं सकते कि वो अभी तक वो बाढ़ में भी नहीं आए। 5 साल की तो बात अलग है, अभी तक यहाँ बाढ़ में भी नहीं आए हैं वो घूमने, कि लोगों से कहा भी नहीं है किस तरीके से कि मतलब वोट दिया जाए और किस मुद्दे पे मतलब वो दोबारा वोट मांगने आए हैं, उन्होंने किसी से नहीं कहा है। और लोगों से मतलब जो है कॉलोनी के नाम पर पैसा भी लिया गया। हाँ, नगर में बाढ़ में जो समस्याएँ होती हैं, नाली, बिजली, सड़क, राशन कार्ड, इन समस्याओं को लेकर जो है पिछले वाले जो सदस्य रहे होंगे उन्होंने कुछ काम किया और उस योजनाओं पर? नहीं, कुछ काम नहीं किया है उन्होंने। इसी समस्या जो हमने लोगों से पता किया है, उन लोगों ने यही कहा है कि भाई आप अब अगर आए हैं, अगर आप इसमें सभासद बनेंगे तो हमारी समस्या का हल होगा। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं बाढ़ में जाकर, जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि आज डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी भी आए थे आज गुरसाहेगंज में आपके, उनके आने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बहुत कुछ बदला हुआ है, उनके आने से बहुत फर्क भी पड़ेगा। और डोर टू डोर मैं जा रहा हूँ, अपने मतलब जा रहा हूँ, अपनी मतलब बात कह रहा हूँ और जनता की बात सुन रहा हूँ, तो उससे जो है आज उप मुख्यमंत्री जी जो आए थे उससे भी जनता के अंदर फर्क पैदा हुआ है कि लोगों ने सोचा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर हम लोग नगर में कमल का फूल खिलाएंगे। तो ये थे वार्ड नंबर 14 से सुल्तान आलम नगर से शान मोहम्मद साहब, जो अपनी बात रख रहे थे, जनता के बीच जा रहे हैं, डोर डोर कैंपेन कर रहे थे, रास्ते में मिल गए तो मैंने सोचा आपको हम उनके बारे में बताऊं कुछ। तो ये थे हमारे साथ शान मोहम्मद, जो अपनी बात रख रहे थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रत्याशी के पास, वार्ड यात्रा हमारी यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।